राधे राधे दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ जीएस रोजगार चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है म्यूजियम ऑफ इंडिया, संग्रहालय ऑफ भारत। इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपका एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार के पेपर में, जीके जीएस और जीए प्लस करंट अफेयर की एक क्लास है। तो ये वाला टॉपिक 100% पूछा जाता है आप लोगों से, तो ये वाला टॉपिक कवर करें। आज लगभग मैं 20-25 क्वेश्चन लाया हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं। बाकी एक क्लास और आपकी करा देंगे संग्रहालय ऑफ भारत की, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चे क्लास देखते हैं लाइक शेयर करते रहें क्लास को, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लाया हूँ, टॉपिक वाइज क्लास लाया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है, आपकी स्क्रीन पर है। सिवलिक फॉसिल पार्क म्यूजियम इन सिरमौर इज लोकेटेड एट। सिरमौर में सिवलिक जिस पार्क संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आप लोगों के पास है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो ट्राई करिए, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्योंकि मैं क्लास प्रीमियर में डालता हूँ, रोज शाम को 4 बजे आपको क्लास मिल जाती है। तो आप लोग भी क्लास देखें जब मैं डालता हूं, और कमेंट करें आपको जो दिक्कत आ रही है वो आप लोग बताएं। जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे आप लोगों की दिक्कत कैसे पता लगेगी। तो याद रखना है, शिवलिंग फॉसिल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और जब मैं प्रीमियर में क्लास डालता हूँ तो आप भी ट्राई करा करें आंसर देने की, ताकि आप लोगों को पता लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी तो आपकी गलती माफ कर सकते हैं, लेकिन पेपरों में कुछ भी काम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहर टॉय म्यूजियम इज लोकेटेड एट। जवाहर खिलौना संग्रहालय डेस में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपका जवाहर खिलौना संग्रहालय? तो ऑप्शन दोस्तों, पौंडचेरी, अहमदाबाद, झांसी, अजमेर ऑप्शन है। तो जवाहर से क्या याद रखना है, देखिए जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 1962 में इनने क्या करा, क्या आपका ये पौंडचेरी किसके अंदर आता था? ये हम आजाद होने के बाद भी ये फ्रेंड्स आजाद नहीं हुआ था, फ्रेंड्स पौंडचेरी को छोड़ के नहीं जा रहे थे, लेकिन 1962 में जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ही थे, तो उन्होंने लताड़ लगाई और अपने आदमी से कहा, फ्रेंड्सों से, कि हमारा पौंडचेरी जो हमारे देश में आता है इसको छोड़ के जाओ, और लताड़ लगाई और फ्रेंड्स छोड़ के चले गए डर के मारे। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने किसको आजाद कराया था आपके, पौंडचेरी और गोवा को, भूलना नहीं है दोस्तों, कब, 1962 में। तो जवाहर टॉय म्यूजियम इसलिए कहां पे बनाया गया आपका, पौंडचेरी में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सरकारी संग्रहालय डेस में स्थित है दोस्तों। गवर्नमेंट म्यूजियम इज लोकेटेड एट। तो ऑप्शन दोस्तों, सूरत में, लखनऊ में, पटना में और चेन्नई में आपका गवर्नमेंट म्यूजियम। अब बच्चा बताए, एक ऑप्शन आप लोग दे दो, ई एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ, दिल्ली, और दिल्ली ऑप्शन में आएगा ही आएगा। तो बच्चा क्या कर देता है ना, जहाँ देखता है गवर्नमेंट सीधा लगा देता है दिल्ली, तो दिल्ली नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि भाई हमारी दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट सरकारी संग्रहालय भी दिल्ली पड़ता होगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों आप लोगों को, आपका सरकारी संग्रहालय चेन्नई में स्थित है दोस्तों, भूलना नहीं है चेन्नई। तो ठीक है, चेन्नई लगा के आना है, ना कि दिल्ली दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेशनल रेल म्यूजियम इज लोकेटेड एट। राष्ट्र रेल संग्रहालय देश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन आप लोगों के पास है, दिल्ली, पुणे, लुधियाना, इंदौर, और एक ऑप्शन और मैं दे दूंगा आप लोगों को, बेंगलुरु। तो बच्चा ना इन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएगा, दिल्ली और बेंगलोर ऑप्शन होगा ना, तो बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे को, क्योंकि बेंगलोर में क्या बनता है आपके, रेल के टायर बनते हैं और डिब्बे बनते हैं, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो रेल म्यूजियम है वो आपका दिल्ली में पड़ता है, ना कि बेंगलोर में दोस्तों, याद रखना है, कहाँ पड़ता है, दिल्ली में, कैपिटल ऑफ इंडिया है, और रेल म्यूजियम भी आपका यहीं पे पड़ता है। एक बार आप लोगों को विजिट करना चाहिए, दिल्ली जाके अपना राष्ट्र रेल संग्रहालय देखना चाहिए, वहां पे आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले कौन सी रेल आई, धीरे धीरे कैसे रेल का
इन्वेंशन हुआ, कैसे कैसे नई नई रेलें हमारे देश में चलना स्टार्ट हुई, कैसे किस टाइम पे कौन सी रेल चल रही थी, क्योंकि स्टार्ट तो 1854 में हुई थी अपने देश में, 1853 में हुई थी तो, लेकिन 1853 में जो रेल थी कैसी दिखती थी, ये सब उसमें टेक्नोलॉजी दे रखी है, एक बार देखना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की चीज है, ये चीजें हमें देखनी चाहिए अपने देशवासियों को। इन चीजों पे बेकार की चीजों को देखने से अच्छा आप नेशनल राष्ट्र रेल संग्रहालय जाएं और देखें। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा में नौसेना उड्डयन संग्रहालय देश में स्थित है। नेवल एविएशन म्यूजियम इन वास्को डिगामा इज लोकेटेड एट, दोस्तों तो ऑप्शन त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, गोवा ऑप्शन है दोस्तों। तो देखो वास्को डिगामा भारत कब आया था, देखो दो बार आया था, ठीक है, सबसे पहले कब आया था 1498 में, और ये कहाँ पे आया था सब जानते हैं, गोवा में, और फिर कब आया 1510 ई में, 1510 ई में इसने क्या करा, गोवा पे कर लिया कब्जा, क्या कर लिया, गोवा पे कर लिया 1510 ई में कब्जा, हमारे जो राजा थे उनसे छीन लिया गोवा, कब 1510 ई में, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत कब आया 1498 में, दूसरी बार कब आया 1510 ई में दोस्तों, ठीक है, कहाँ आया गोवा, तो 1510 ई में गोवा आया, तो वास्को डी गामा का जब भी आपको नाम दिखाएगा तो क्या टिक कर दोगे, गोवा, वास्को डी गामा नाम देखोगे तो अगर गोवा ऑप्शन में है तो क्या टिक करना है आप लोगों को, गोवा, क्योंकि वास्को डी गामा जो व्यक्ति था वो उसने गोवा पे राज किया था अपने भारत में, कहां पे, कौन सी स्टेट पर, गोवा पर, ये नहीं भूलना है, 1498 में सबसे पहले आया, फिर 1510 में, 1498 में जायजा लेने आया था ये, फिर 12 साल बाद पूरी तैयारी करके आया और गोवा पे कब्जा कर लिया इसने। आगे बढ़ते हैं, एचएल हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, एचएल हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम इज लोकेटेड एट, तो ये भारत में कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन बेंगलुरु में, कोयम्बटूर में, जलंधर में या जोधपुर में, तो एचएल हेरिटेज और एरोस्पेस म्यूजियम आपका पड़ता है बेंगलुरु में दोस्तों, कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु, तो भूलना नहीं है, एचएल हेरिटेज सेंटर और एरोस्केप म्यूजियम संग्रहालय आपका कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु दोस्तों, बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, और क्या कहते हैं दोस्तों, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम बेंगलुरु को कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए तो सीधे टिक कर देना, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, और बेंगलुरु में क्या होता है भाई, बेंगलुरु में जो आपके रेल के डिब्बे होते हैं उनके टायर भी बनाए जाते हैं, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, प्रिंस ऑफ वॉल्स संग्रहालय डेस में स्थित है दोस्तों, प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम इज लोकेटेड एट, कहां पर लोकेटेड है भारत में, तो ऑप्शन दोस्तों कानपुर, नागपुर, मुंबई, पुणे, तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा, देखो प्रिंस ऑफ वॉल्स आप देख रहे हो, कानपुर और नागपुर तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मुंबई या पुणे में से एक हो सकती है, लेकिन माया की नगरी कौन, मुंबई, मेन जगह कौन सी, मुंबई, तो प्रिंस ऑफ वॉल्स संग्रहालय आपका मुंबई में स्थित है दोस्तों, ठीक है, कानपुर नागपुर तो नहीं हो सकते, लेकिन माया की नगरी से याद रखोगे, प्रिंस ऑफ वॉल्स कहां पे संग्रहालय आपका, मुंबई, माया की नगरी में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पतंग संग्रहालय डेथ में स्थित है दोस्तों, काइट फेस्ट, काइट म्यूजियम इज लोकेटेड एट, कहां पर है दोस्तों, ऑप्शन है आपका हावड़, ग्वालियर, रायपुर, अहमदाबाद, तो देखिए काइट फेस्टिवल, ठीक है, काइट संग्रहालय कहां पर स्थित हो सकता है, सबसे ज्यादा काइट फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है, कौन सी स्टेट भारत में फेमस है, तो गुजरात दोस्तों, अब आप देखोगे कि गुजरात में कौन सी स्टेट दे रखी है तो टिक कर दोगे, तो यहां पे अहमदाबाद दे रखी है तो अहमदाबाद सीधी टिक कर दोगे, तो काइट म्यूजियम आपका अहमदाबाद में है दोस्तों, काइट फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है सबसे ज्यादा, गुजरात स्टेट फेमस है काइट फेस्टिवल के लिए, तो काइट संग्रहालय भी कहाँ पे होगा, स्टेट पूछोगे तो गुजरात लगाओगे और जगह पूछोगे तो अहमदाबाद दोस्तों, हावड़ा कहाँ पे पड़ता है, कोलकाता में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हावड़ा ब्रिज बहुत ही ज्यादा फेमस है, पता है वो बिना पिलर के खड़ा हुआ है और आज तक गिरा भी नहीं है, ब्रिटिशर की टेक्नोलॉजी तो कुछ अच्छी होती थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संग्रहालय डेथ में स्थित है दोस्तों,
इंडियन म्यूजियम इज लोकेटेड एट, दोस्तों ऑप्शन है आपके पास कोलकाता, मुंबई, रांची, कन्याकुमारी। तो आपका भारतीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है इन चार ऑप्शन में? जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो आप लोगों को बताया था कोलकाता में स्थित है दोस्तों, कहाँ पर? कोलकाता में। और एक चीज रखना है याद, इंडियन म्यूजियम है वो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इंडियन म्यूजियम। कहाँ पे पड़ता है आपका? कोलकाता में दोस्तों, ठीक है। और मुंबई में अभी मैंने बताया द प्रिंस ऑफ वॉल्स पड़ता है, कन्याकुमारी में द वे वॉच म्यूजियम पड़ता है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सैलर जंग म्यूजियम इज लोकेटेड है, सैलर जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है दोस्तों? मुंबई, हैदराबाद, कोची, अहमदाबाद। अब एक जंग हुई थी भारत में, तो भारत आजाद तो हो गया था, देखिए 1947 में हम आजाद हो गए थे, ठीक है। लेकिन भारत में कई स्टेट थी जो आजाद नहीं हुई थी, इसमें कौन सी स्टेट थी? एक हैदराबाद। कौन सी स्टेट थी? हैदराबाद। तो सैलर जंग आपका संग्रहालय हैदराबाद में पड़ता है। तो एक जंग हुई थी, देखो याद कैसे रखना है, हैदराबाद को आजाद करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्डर दिया पुलिस वालों को, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। पुलिस वालों से बोला आप हैदराबाद को आजाद कराओ जो भी आपको करना पड़े। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने ऑपरेशन पोलो चलाया और जंग हुई और हैदराबाद को क्या कराया? आजाद कराया। किसने करवाया था? वल्लभ भाई पटेल ने और पुलिस वाले द्वारा। ऐसा पहला ऑपरेशन जो पुलिस वालों ने करा भारत में, तक खतरनाक ऑपरेशन आजादी के लिए, पूरी स्टेट को आजादी दिलाई ऑपरेशन पोलो द्वारा। तो जंग हुई थी कहाँ? हैदराबाद में। किसने करी? पुलिस वालों ने। कौन सा ऑपरेशन था अपना? पोलो। और क्या आजाद कराया हमारा? हैदराबाद। मेन लीडर कौन? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल ने यह भी कहा था हैदराबाद हमारे देश का क्या साबित होगा? अल्सर। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये कौन से व्यक्ति ने कहा था कि हैदराबाद भारत का अल्सर साबित होगा? तो आप लोगों को टिक कर देना है, भारत का अल्सर कौन सा साबित होगा? भारत का अल्सर, भारत का अल्सर कौन सा स्टेट साबित होगा, ये आप लोगों से पूछेंगे। तो क्या आप लोगों को टिक करना है? आपको हैदराबाद टिक करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन, शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम इज लोकेटेड, शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन आप लोगों के पास है जोधपुर, गुवाहाटी, दिल्ली और मैसूर ऑप्शन दोस्तों। तो एक चीज याद रखना है, जो भारत का इंटरनेशनल डॉल संग्रहालय कहां पर स्थित है, भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो ये दिल्ली में स्थित है, छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है ये डॉल म्यूजियम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की डॉल और खिलौने रखे गए हैं और बड़ा ही अच्छा संग्रहालय। बच्चे जिद करते हैं, जिन बच्चों को पता होता है ना, तो वो दूर से जिद करते हैं, अपने कहीं भी रह रहे हो भारत के किसी भी कोने में, तो बच्चे अपने माँ बाप से बोलते हैं पापा चलो दिल्ली चलते हैं। कहाँ? दिल्ली चलते हैं, शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम, वहां पे अच्छी अच्छी डॉलें हैं, वो भारत का एक संग्रहालय है, भूलना नहीं है। डॉल संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली। और ये चीज बच्चों को भी पसंद आती है और बड़े बूढ़े प्लस लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम बड़ा ही अच्छा सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, मैंने तो देख रखा है, आप लोग भी जाके एक बार विजिट करें। जितने भी म्यूजियम है ना भारत में, लगभग 1000 से ऊपर म्यूजियम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट म्यूजियम में कुछ 1000 से ऊपर पड़ेंगे या 1000 के लगभग पड़ेंगे। तो जितने आप हो सके देखें, क्योंकि इन म्यूजियम में ही हमारी भारत की छाप छुपी हुई है, हमें विजिट करनी चाहिए, पता करना चाहिए भाई म्यूजियम किस लिए बनते हैं, अपनी देश के विरासत के लिए, कि हमारे जो मेन लोग थे उन लोगों की फोटो बताते हैं, कि लोगों को नहीं पता होता इन लोगों ने क्या किया। तो एक बार आप लोगों को विजिट करनी चाहिए, जो भी आपके आसपास संग्रहालय है ना वो देखने चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम इन लोथल इज लोकेटेड एट, लोथल में पुरातत्व संग्रहालय कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन भुवनेश्वर, बीकानेर, अहमदाबाद, कटक। तो एक चीज बताइए, लोथल, यहाँ पे आपने देखा लोथल, लोथल कौन सी स्टेट में पड़ता है? गुजरात। तो देखेंगे हम ऑप्शंस में ये देखेंगे कि गुजरात की कोई स्टेट दे रखी है इसमें, नहीं दे रखी, तो आप देख रहे हो अहमदाबाद दे रखी है। लोथल कौन सी स्टेट में पड़ता है आपका? गुजरात में, तो अहमदाबाद इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैल्सो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल इज लोकेटेड एट, कैल्सो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल डेस में स्थित है दोस्तों? आगरा, अहमदाबाद, वडोदरा या वाराणसी। तो एक चीज याद रखनी है दोस्तों, आपका कैल्सो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल
अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर? अहमदाबाद। स्टेट पूछो तो गुजरात, और जगह पूछो तो वडोदरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वे वॉच वॉक संग्रहालय डैश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन लतूर, कन्याकुमारी, रोहतक, कोरबा। तो आपने एक वे वॉच सीरीज देखी होगी, एक मूवी भी आई थी वे वॉच, ठीक है, और एक सीरीज भी चली थी वे वॉच, बड़ी फेमस थी, बड़ी अच्छी थी। छोटे मतलब वो 18 से ऊपर जो लोग थे बड़ी पसंद करते थे आप लोग, बड़ी सही सीरियल था, समुंदर के ऊपर बनाया जाता था। ठीक है, तो ये एक चीज देखो, वे वॉच किससे रिलेट करता है? समुंदर। लतूर में समुंदर है? नहीं। रोहतक में समुंदर है? नहीं। कोरबा में समुंदर है? नहीं। तो समुंदर कहाँ पे आपका पड़ता है? कन्याकुमारी में दोस्तों। तो वे वॉच वॉक संग्रहालय कहां पर स्थित है आपका? कन्याकुमारी। वे वॉच शब्द है ना, वो समुंदर से रिलेटेड है, आप लोगों को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट इज लोकेटेड। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट डैश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है आप लोगों के पास दिल्ली, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुवाहाटी, इलाहाबाद। छत्तीसगढ़ नहीं ऑप्शन में, सॉरी, तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली। तो सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ये भारत में दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ? आपकी कैपिटल ऑफ इंडिया में बना हुआ है सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम। आगे बढ़ते हैं। आइलैंड म्यूजियम इज नागार्जुन कोंडा इज लोकेटेड एट। नागार्जुन कोंडा में द्वीप संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो देखिए, द्वीप तो उत्तर प्रदेश में कोई द्वीप नहीं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चलो यहां पे समुंदर होते हैं। तो नाग अर्जुन कोंडा, तो नाग अर्जुन सागर सरसलेजम आपको याद होगा, ठीक है। वो कहां पे पड़ता था आपका? वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, वो कहां पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। तो नाग अर्जुन सागर सरसलेजम, जिसने मेरी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया की क्लास देखी होगी वो सीधे टिक कर देगा नाग अर्जुन नाम देख के आंध्र प्रदेश। जहां देगा नाग अर्जुन, क्या टिक कर दोगे? आंध्र प्रदेश। अगला, तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल छोटी क्लास थी, 16-17 क्वेश्चन की क्लास थी, वो बड़ी इफेक्टिव क्लास है, क्योंकि 2 नंबर जब फ्री के मिल रहे हैं इन 16 क्वेश्चन में, तो आप लोग ये क्लास तो बिल्कुल छोड़ोगे नहीं मुझे लगता है। तो बताइए ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्लास को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और क्या करना है आप लोगों को, जेएस रोजगार चैनल को जितना हो सके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलनी है इस पर, SSC, MTS और हवलदार की, GK, GS और GA+ करंट अफेयर की, एक भी पैसा नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन ऑन कर देना है, ताकि जब भी आपका रोजाना क्लास 4 बजे मैं डालता हूँ, कभी लेट भी हो जाते हैं कुछ टाइमिंग की वजह से, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके कि जेएस रोजगार चैनल पर सर SSC MTS की क्लास चला रहे हैं, कितने बजे क्लास डालेंगे, कितने बजे ऑनलाइन आएंगे, वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा, और जेएस रोजगार चैनल को क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और टॉपिक वाइज क्लासेस इसलिए ली जा रही हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास के नोट्स भी रेगुलर बनाते चलें, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता देना, आपको अगर PDF चाहिए ना, तो मैं PDF भी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करिए। तो क्लास एंड यहीं पे करते हैं, कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। छोटी क्लास थी लेकिन अफेक्टिव क्लास है, अभी टाइम है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, मुंह मंजिल तक आप लोगों को तक पहुंचाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे और मंजिल तक आप लोगों को पहुंचा के ही रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो राधे राधे दोस्तों।